दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से प्राची को घर से निकालने की साजिश रच रही है आलिया और रिया, क्योंकि लगातार रणबीर की मां पल्लवी को भड़काती हुई नजर आ रही है कि ये जो सब कुछ करवाया धरवाया है ये सब कुछ प्राची की वजह से हुआ है, क्योंकि प्राची ना अपने एटीट्यूड में आती, ना उस मंगलसूत्र को उसे छीनने की कोशिश करती गुंडों से, और ना ही गुंडे रणबीर पर वार करते। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय आलिया और रिया का जो फोकस है वो सिर्फ प्राची को किसी भी तरीका से हमेशा हमेशा के लिए घर से बेघर करने का है। आप लोग जानते ही हैं कि पहले भी देखा होगा आपने कि आलिया और रिया ने इससे पहले भी प्राची को घर से निकलवाने के लिए बहुत साजिश रची थी। लेकिन दोस्तों, इसमें कहानी में ट्विस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जहां पर आलिया और रिया की साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है कि आखिरकार जिस गुंडों ने प्राची और रणबीर पर हमला किया था वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि वो गुंडे आलिया ने ही हायर किए थे, जिसके बाद में पूरे घर वालों को इस बात का पता चल जाता है कि आलिया और रिया ही मुख्य दोषी हैं, जिसके बाद में पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार करने जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्राची इस समय है प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट हालत में जो कि प्राची अपने आपे को संभाल नहीं पाएंगी और उनका कोक में ही बच्चा ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहाँ प्राची पर जो बहुत बड़ा आरोप लगने जा रहा है, क्योंकि आरोप इस तरीका से लगाती हुई नजर आएंगी रणबीर की माँ पल्लवी कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा मर गया। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीका से पल्लवी लगातार टॉर्चर करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो टॉर्चर भी इस लेवल तक कर रही हैं प्राची को कि प्राची घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, लेकिन ये सब कुछ कराया धराया जो कि आलिया और रिया का ही है। वहीं पे ही रणबीर के फादर और रणबीर की दादी अभी भी पल्लवी के साथ नहीं बल्कि वो प्राची के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राची कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, उसने हमेशा से ही इस परिवार की भलाई चाही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।